मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्रोटीन पाउडर की रेसिपी। ये वंस अगेन मैं आपको प्रोटीन पाउडर की रेसिपी दिखा रही हूँ। पिछली बार मैंने लाइव वीडियो शूट किया था प्रोटीन पाउडर का, वो इतना अच्छा गया नहीं था, तो काफ़ी व्यूअर्स की डिमांड पे ये मैं प्रोटीन पाउडर की रेसिपी वंस अगेन आपके लिए लेके आई हूँ। और इस बार मैं आपको दो तरीके से प्रोटीन पाउडर बनाना सिखाऊंगी, एक चॉकलेट प्रोटीन पाउडर सिखाऊंगी और दूसरा मैं सिखाऊंगी बादाम और पिस्ते के फ्लेवर वाला। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं प्रोटीन पाउडर की रेसिपी, और आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए व्यूअर्स, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो यहाँ मैंने ले ली हैं। प्रोटीन पाउडर एज़ यू ऑल नो बाज़ार में बहुत तरह के फ्लेवर्स और बहुत तरह की कंपनियों में मिलता है, लेकिन यहाँ मैं जो आपको प्रोटीन पाउडर सिखा रही हूँ वो बिल्कुल ही होममेड है और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना है। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम एज़ यू ऑल नो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये प्रोटीन में भी हाई होता है, और पुराने ज़माने से बोला जा रहा है कि बादाम रोज़ खाने चाहिए। और यहाँ पे अलसी ली है मैंने। अलसी इन ओमेगा फैटी एसिड्स में बहुत हाई होता है। अलसी अच्छा होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है अलसी, और ये आप डेली रूटीन में ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहाँ मैंने पीनट्स ले लिए। पीनट्स एज़ यू ऑल नो वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है, और ये बिल्कुल छिले हुई मैंने मूंगफली ली है, और ये रोस्ट की हुई नहीं है, बिल्कुल प्लेन मूंगफली है छिली हुई जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने पीनट्स ले लिए हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसके अलावा मैंने यहाँ पे सोया की ये दाल ली है। ये सोया की दाल बहुत ही हाई इन प्रोटीन होती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और जो वेजिटेरियंस लोग हैं वो वेजिटेरियन लोग इसको बॉडी बिल्डिंग के लिए या हाई प्रोटीन डाइट के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। और इसके अलावा मैंने यहाँ ओट्स ले लिए हैं, और ओट्स एज़ यू ऑल नो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन में, कैल्शियम में, आयरन में बहुत हाई होता है, और बहुत ही अच्छा डाइट्री फाइबर भी होता है इसके अंदर। तो ये मैंने ओट्स ले लिए हैं, ये प्लेन ओट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ मैंने पिस्ता ले लिया है, पिस्ता फ्लेवर के लिए लिया है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये मखाने ले लूँगी, और मखाने एज़ यू नो ऑल नो कैल्शियम में, आयरन में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, और मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा ये मैंने मिल्क पाउडर के सैशे लिए हैं, ये क्रीमी बनाने के लिए, हमारे शेक के लिए हम लेंगे। और इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर लिया है, ये थोड़ा सा फ्लेवर के लिए लिया है, और ये कोको पाउडर लिया है, ये भी फ्लेवर के लिए लिया है मैंने। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इलायची पाउडर ले लिया है, इलायची पाउडर भी मैंने यहाँ फ्लेवर के लिए लिया है। और आइए अब शुरू करते हैं प्रोटीन पाउडर बनाना। तो देखिए व्यूअर्स, प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक चम्मच सोया की दाल डाल दूंगी, और सारी क्वांटिटीज जो मैं ले रही हूँ वो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में होगी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप सेम मेजरमेंट को बढ़ा के ले लीजिए। तो एक चम्मच ही मैं बादाम डाल दूंगी, और इसके साथ एक ही चम्मच मैं ओट्स भी डाल दूंगी। ओट्स बहुत अच्छा डाइट्री फाइबर कंटेंट करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। और इसके साथ साथ एक चम्मच ही मैं पीनट्स भी डाल दूंगी, और इसके साथ साथ मैं एक चम्मच ही अलसी भी डाल दूंगी। अलसी ओमेगा 3 में हाई होती है और बहुत ही अच्छी होती है आपके शरीर के लिए। और इसके साथ मैं कोका पाउडर डाल दूंगी। कोका पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आपको शेक जो है प्रोटीन पाउडर का शेक है वो ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डालिए, और अगर कम चॉकलेटी चाहिए, हल्का फ्लेवर चाहिए, तो कम डालिए। और इसके साथ कॉफ़ी पाउडर डालूंगी। कॉफ़ी पाउडर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो बिल्कुल मत डालिए, और फ्लेवर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा लगता है इससे टेस्ट। तो आइए व्यूअर्स, इसके साथ साथ इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, क्योंकि हमको प्रोटीन पाउडर को मीठा भी करना है। तो मैं 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दूंगी, और इसको अब क्लोज़ करके और इसको अच्छे से पीस लेते हैं। इसको बारीक पाउडर बनाना है हमको, और बिल्कुल बारीक इसका पीस के पाउडर बना लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये पाउडर बना लिया है मैंने, पर ये इसमें अभी भी चंक्स होंगे, तो इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। और इसको छानने के लिए मैंने छन्नी ले ली, क्योंकि व्यूअर्स जब इसकी हम शेक बनाएंगे तो इसके अंदर चंक्स आ सकते हैं डाल के, तो इसलिए हमको इसको छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें स्मूथ पाउडर मिल जाए इसका, और स्मूथ पाउडर से हम इसका फिर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक में बना सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल ही आसान तरीका है बनाने का प्रोटीन पाउडर। और देखिए, मैंने छान लिया है इसको बिल्कुल,
और ये देखिए चंक्स बिल्कुल अलग हो गए हैं। तो ये जो बच गया है लेफ्ट ओवर, इसको भी मैं बाद में पीस लूँगी। और ये हमको स्मूथ पाउडर मिल गया है हमारे प्रोटीन पाउडर के लिए, तो इसके अंदर अब मैं मिल्क पाउडर थोड़ा काट के डाल दूँगी एक पाउच। और मिल्क पाउडर डालने से ये जो हमारा प्रोटीन शेक है ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर देगा, और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कैल्शियम भी ऐड करेगा हमारे प्रोटीन शेक में। तो ये भी मैंने मिक्स कर लिया। आइए इसको एक बार फिर से ब्लेंडर में मिक्स कर लेते हैं और मिक्सी जार में इसको पीस लेते हैं ताकि बिल्कुल ही अच्छा से ये मिक्स हो जाए इसके अंदर। तो इसको मैं एक बार से फिर से ढक्कन लगा के हल्का सा पीस लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, ये मैंने पीस लिया है और बिल्कुल ही अच्छे से ये स्मूथ पाउडर तैयार हो गया है हमारे पास। और आप इस प्रोटीन पाउडर को अपने शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट शेक बना सकते हैं, मतलब जैसे प्रोटीन पीते हैं लोग वैसे बना सकते हैं, या कोल्ड शेक्स भी बना सकते हैं इसके। तो आइए अब दूसरे तरीके का प्रोटीन पाउडर बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया है, फिर से ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो एक ही चम्मच मैं इसके अंदर बादाम डालूंगी, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मैंने ट्राई किया है, और एक चम्मच पीनट्स डाल दूंगी। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैंने चेंज किए हैं, और एक चम्मच ही ओट्स मैं इसमें डाल दूंगी, और इसके साथ साथ मैं इसमें मखाने डालूंगी। मखाने एज यू नो हाई होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो एक मुट्ठी मैंने यहाँ मखाने डाल दिए हैं इसके अंदर, और एक चम्मच मैंने इसके अंदर सोया की दाल डाल दी है, और एक ही चम्मच इसके अंदर अलसी डाल दी है। इसके साथ दो चम्मच मैं चीनी डाल दूंगी इसके अंदर। और आइए अब इसको पीस लेते हैं, और इलायची पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए, और एक चम्मच ही कि इसके अंदर मैं पिस्ता डाल दूंगी क्योंकि हम पिस्ता फ्लेवर का बना रहे हैं। और आइए अब इसको पीस लेते हैं हम। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैं अच्छे से पीस लिया है एक बार, तो ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और अब इसको मैं छान लेती हूँ छन्नी से, छान लेते हैं इसको ताकि हमको स्मूथ पाउडर मिल जाए, और जो दाल के बड़े पीस रह गए हैं वो अलग हो जाएं ताकि हम उनको दोबारा से ग्राइंड कर लें। तो देखिए स्मूथ पाउडर नीचे आ जाएगा, और आपके पास दाल जो है जो नहीं पीसी है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है और घर में इसे पीसना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, इसलिए मैं इसको छान के दोबारा से एक बार पीस लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसको भी हम पीस लेंगे साथ में, और इसको भी एक बार पीस लेंगे ताकि ये जो दाल है इसके मोटे चंक्स हैं ये भी पीस जाएँ। साथ के साथ इसमें मैं मिल्क पाउडर का एक सैशे भी डाल दूँगी, और इससे क्रीमी हो जाएगा हमारा शेक। तो आइए इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने पीस लिया है इसको, और इसको मैं अब खाली कर लूँगी, और देखिए कितना स्मूथ हमारा टेक्सचर इसका हुआ है प्रोटीन पाउडर का। और इतना बढ़िया प्रोटीन पाउडर है, घर पे बना हुआ है, ऑर्गेनिक है। इस प्रोटीन पाउडर से आप खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मिठाइयों को भी हाई प्रोटीन बना सकते हैं। और देखिए आज दो तरह के प्रोटीन पाउडर मैंने आपको बताए हैं। पिस्ता बादाम वाला प्रोटीन पाउडर है, ये शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हलवे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो चॉकलेट वाला प्रोटीन पाउडर है, इससे आप अपनी चॉकलेट केक्स हैं उनको भी हाई प्रोटीन केक्स बना सकते हैं। साथ के साथ इसको आप ब्राउनीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको शेक्स बनाना सिखाती हूँ इनके। तो आज एक मैं गर्म आपको ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी और एक कोल्ड शेक बनाना सिखाऊंगी। तो मैं पिस्ता बादाम से मैं आपको ठंडा शेक बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ दो बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर प्रोटीन पाउडर ले लिया है पिस्ता और बादाम फ्लेवर का, और इसके अंदर मैं चिल्ड मिल्क डाल दूंगी एक ग्लास, और साथ के साथ मैं 3 से 4 आइस क्यूब्स डाल दूंगी। इसमें हमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चीनी ऑलरेडी प्रोटीन पाउडर में है। तो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं। और देखिए इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से, या आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको अच्छे से शेक कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा झाग भी बन जाएगा इसका, और ये क्रीमी और स्मूथ हमारा शेक बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आइए अब इसको ग्लास में सर्व करते हैं। तो मैंने एक टॉल ग्लास ले लिया है, और इसमें मैं अपना शेक ये है ये पोर कर दूँगी, और ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम कतरन कटी हुई है, और ये रोज़ पेटल्स हैं मेरे पास, ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, और इसे सर्व करूँगी। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ठंडा ठंडा प्रोटीन शेक तैयार हो गया है, और पिस्ता बादाम फ्लेवर का है। आप खुद भी पी सकते हैं, गेस्ट को भी पिलाइए, और ये बहुत ही डिलीशियस वे है प्रोटीन इंक्लूड करने का अपनी डाइट में। तो आइए अब दूसरे तरीके का प्रोटीन शेक बनाते हैं, और ये होगा हॉट चॉकलेट प्रोटीन शेक।
तो इसके लिए भी मैंने 2 बड़े चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल दिया है, चॉकलेट फ्लेवर वाला। और इसके लिए मैं गर्म दूध दूंगी, तो ये मैंने गर्म दूध डाल दिया है इसके अंदर 1 ग्लास। और आइए अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। और इसका भी बहुत अच्छा झाग बन जाता है क्योंकि इसमें कॉफ़ी भी है, तो कॉफ़ी में जैसे झाग बने वैसे ही इसके अंदर अच्छा सा फोम क्रिएट हो जाता है ऊपर। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी 2 मिनट के लिए। और देखिए ये टॉल ग्लास मैंने ले लिया है, और इसके अंदर मैं चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, देखने में सुंदर लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने चॉकलेट सिरप से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो आइए इसके अंदर मैं चॉकलेट का अपना प्रोटीन शेक है ये सर्व करती हूँ। तो देखिए ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये इतना अच्छा फोम ऊपर से क्रिएट होता है। आइए ऊपर से भी थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक हॉट हमारे पास प्रोटीन शेक है और एक कोल्ड प्रोटीन शेक है। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं इनको, और भी वेराइटीज़ में ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पुडिंग्स में ट्राई कर सकते हैं, खीर में ट्राई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और हम इसी तरीके से हमारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखते रहिए। हमारी ये रेसिपी आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पे। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप हमारी ये दूसरी रेसिपीज़ हैं जो चैनल पे अवेलेबल हैं, ये क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।